दिल्ली के मुंडका में कबाड़ी बाजार में भीषण आग लगने से एक शख्स की मौत हो गई और काफी नुकसान हुआ है। आग गुरुवार देर रात करीब 1 बजे लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना पाकर मौके पर दमकल की 40 गाड़ियां पहुंची और काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक रात तकरीबन 1 बजे हमें आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर तुरंत भेजी गईं। वैसे पूरी तरह आग बुझाने में समय लग सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि स्क्रैप मार्केट का मलबा अभी सुलग रहा है, इसी वजह से आग बुझाने में काफी दिक्कतें आ रही और मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। एम्बुलेंस की भी कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। मुंडका में खाली पड़े प्लॉट में कई कबाड़ व्यापारियों का पीवीसी का कबाड़ जमा किया जाता है और इसी में आग लग गई थी और देखते ही देखते आग ने पूरे मार्केट को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। देखते रहिए डीबी लाइव।